जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। आज हम बात करेंगे एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के जो कॉमन सब्जेक्ट है उनके बारे में, कितना पूछा जाता है, कितना प्रैक्टिकल आता है, उसके बारे में हम सब कुछ बात करेंगे आज, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिख दिया है अपना ड्रिल का, वेपन ड्रिल का, जितने भी हमारे सब्जेक्ट आते हैं उन सब के बारे में। और इनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी है जो हमारे बुक में दिए हुए हैं और सी में नहीं पूछे जाते, ठीक है। वो इसलिए दिए गए हैं कि कभी कभी उनमें से पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनसे अलग भी एक दो सब्जेक्ट हैं, उनमें से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैं ड्रिल के बारे में बात करूं कि ड्रिल कितने नंबर का आता है, तो पहले मैं आपको टोटल बताऊंगा कैसे कैसे आता है। जैसे कि ड्रिल का है, रिटन आपका 10 नंबर का आता है, प्रैक्टिकल आपका 10 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हमारा 60 नंबर। हमारा वेपन ट्रेनिंग 10 नंबर का आता है और इसका प्रैक्टिकल 55 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हमारा 65। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि नेशनल इंटीग्रेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ केसेस में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा, पहले एक बार क्लियर कर दे रहा हूँ सारा कुछ। नेक्स्ट हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 75 नंबर का, ठीक है। और लीडरशिप हमारा 10 नंबर का, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा 20 नंबर का, उसका प्रैक्टिकल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा सोशल सर्विस, जो हमारा 30 नंबर का पूछा जाता है। और अगला है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये हमारा 0 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, 35 नंबर का आता है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा एडवेंचर, किसी नंबर, कोई नंबर नहीं, 0 नंबर का। इकोलॉजी अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 15 नंबर का। और अगला है हमारा जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जैसे कि हमारा इसमें नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस है, इसमें कुछ नहीं दिया गया, लेकिन पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा एक सब्जेक्ट और है डी एन सी सी, इसमें से भी कभी कभी सी सर्टिफिकेट पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने नहीं लिखा है इसलिए, क्योंकि कभी कभी देखो एन सी सी के किसी भी सर्टिफिकेट में कुछ डिफाइंड नहीं रहता है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, सिलेबस कभी कभी चेंज भी रहता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इसी ही के हिसाब से तैयारी करें, आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि सेम यही आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाता है, क्या पता ऐसा हो कि आपके साइड में पूछ लिया जाए। डी एन सी सी यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, क्या पता पूछ लिया जाए। जैसे कि हमारा ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट, क्या पता ये पूछ लिया जाए साइड में आपके, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि सोशल सर्विस ना आए, तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी के हिसाब से तैयारी करें, आप अपने हिसाब से तैयारी करें, ठीक है। आपको सारा कुछ पढ़ना है, मेरे ख्याल से 25 टॉपिक के आसपास है हमारी हैंडबुक में टॉपिक, 25 टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी पेपर की तरफ से, चाहे वो आपका ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं हर एक टॉपिक में से, आपके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ, जैसे हमारा जो ड्रिल है वो 60 नंबर का पूछा जाता है, वेपन ट्रेनिंग 65 नंबर का, नेशनल इंटीग्रेशन की का कोई फिक्स नहीं है, पूछ भी ले जाता है, पूछा भी नहीं, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 75 नंबर, लीडरशिप आपका 10 नंबर, डिजास्टर मैनेजमेंट 20 नंबर, सोशल सर्विस आपका 35 नंबर यानी 35 नंबर का पूछा जाता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट आपका 0 नंबर, हेल्थ एंड हाइजीन 35 नंबर, एडवेंचर आपका नहीं पूछा जाता 0 नंबर, इकोलॉजी अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस आपका 15 नंबर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं रिटिन हमारा 145 नंबर का, प्रैक्टिकल 105 नंबर, 105 नंबर का, जो टोटल हमारा बैठता है ये आपका 350 नंबर, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट 150 हमारे
स्पेशल सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 500 नंबर का टोटल, ठीक है, और इनमें से आपका प्रैक्टिकल भी, ठीक है, सब कुछ आपका इंक्लूड है 500 नंबर के अंदर, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी है, कॉमन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के नंबर है और स्पेशल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल 150 नंबर का और 350 आपका रिटिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप एडवेंचर ट्रेनिंग ना पढ़े, कम्युनिटी डेवलपमेंट ना पढ़े, नेशनल लिटिगेशन ना पढ़े, DNCC ना पढ़े, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और जैसे कि यह जनरल अवेयरनेस, आपको अपडेट भी रहना है कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, चाहे वो आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कुछ भी हो, कि सेना का अधिकारी, ठीक है, पूछ ले जाता है, आपको सभी याद रखने हैं एट प्रेजेंट हमारा कौन है, ठीक है, चाहे वो हमारे सेना अध्यक्ष जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रपति जी हो, कोई भी, ठीक है, आपको याद रखना है, कोई भी हमारे जो नया अधिकारी बनता है, कुछ भी, ठीक है, आपको सब कुछ याद रखना है, आपका पेपर खुलेगा, ठीक है, आपको अपडेट रहना है बिल्कुल। तो आपको सारा कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये आपके जो चार टॉपिक है उसके बारे में इस सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो आप भी ऐसा ना करें कि ना पढ़ें। तो आपको पढ़ना है, एडवेंचर ट्रेनिंग भी आपको पढ़ना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन भी आपको पढ़ना है, DNCC भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको सारा पढ़ना है जितना भी आपका बुक में दिया गया है। आप इसके हिसाब से तैयारी ना करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपको नहीं कहता कि आप इसी हिसाब से तैयारी करें। सपोज करिए आपने पेपर दिया, उसमें आपसे एडवेंचर ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछ लिया गया, फिर आप ये कहेंगे कि भाई आप क्या बता रहे थे, तो इसीलिए, ठीक है, कुछ भी फिक्स नहीं कहता मैं आपको, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं इसको एज आ मानकर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, जितना भी आपका हैंडबुक में या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसमें जो पूछा गया है, जो लिखा है, वो सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जल्दी आपका मॉडल पेपर भी आने वाला है, वो भी आप खरीद सकते हैं अपनी अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। तो आप ये सब लिख सकते हैं, अपनी नोटबुक में डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन लिख लीजिए आप सब। ये सी सर्टिफिकेट का स्पेशल है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि आप इन सबको ना छोड़ें, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, सीधी सी बात है। अगर हमारी बुक में 25 टॉपिक है, इतने बड़े नहीं है, तो 25 के 25 आप पढ़ने हैं, आपने पढ़ने हैं, ठीक है। कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि 75 है तो इसमें से भी पूछ लेगा, वो आपका इसमें से भी पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ तैयार करना है, करंट का आपको याद रखना है, ठीक है, वर्तमान में कौन क्या है विद डेजिग्नेशन उसकी, ठीक है, चाहे वो हमारे सेना के अधिकारी हो, ठीक है, ऑफिसर्स हो, कुछ भी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने लिख दिया है, आपको लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, अपना कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा पढ़ना है आपने। यहाँ से आप लिख सकते हैं, मैं वीडियो रोक दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं इसको। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, और आप कुछ भी ना छोड़े, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम छोड़ कर जाते हैं और वही पेपर में पूछ लिया जाता है, होता है ना कई बार ऐसा। तो आप कुछ भी ना छोड़ें, सारा पढ़ कर जाए, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ऐसा कि मैं कोई टॉपिक छोड़ देता हूँ और वही अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वैसे आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो आप सब तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, और हमारा तो दोस्तों आप सब नोट्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ले भी लिए होंगे, और जल्दी मॉडल पेपर भी आने वाला है आपका, जनवरी से पहले पहले आपको मिल जाएगा वो, आप उसको डाक से मंगवा सकते हैं, काफ़ी कम कीमत हमने उसकी रखवाई है, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और
जल्दी बुक भी आने वाली है, वो भी आप पढ़ सकते हैं अच्छे से पेपर से पहले, और जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें आप पेपर तक, ठीक है। उसके बाद आपको आपके अपने एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना है, और मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि कुछ भी ना छोड़ें, सारा पढ़े। ऐसा ना रहे कि आपने सोच लिया कि एडवेंचर ट्रेनिंग हम नहीं पढ़ेंगे, और आपने नहीं पढ़ा इसका मतलब ये पेपर में आएगा आएगा, ठीक है। हमारे साथ भी यही हुआ था, हमने सपोज करिए छोड़ दिया और यही पूछ लिया है, ठीक है। चाहे हम अपना एकेडमिक्स का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने साइंस में मान लीजिए हमने कोई, जैसे कि मैं BSc कर रहा हूँ, थर्ड ईयर है मेरे इस बार, तो हमें कुछ पढ़ाया गया, जैसे कि एनसेम्बल हमें पढ़ाया गया, ठीक है, और हमने उसको छोड़ दें कि भाई ये हम ये पूछा नहीं जाएगा, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 99.99% है कि ये पूछा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया। तो इसलिए आप भी ऐसी गलती ना करें, आप भी सारा पढ़े, चाहे वो आपका NCC का हो चाहे एकेडमिक्स का हो, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है, बाकी एक बार आप ये सब नोट कर सकते हैं। मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप सभी का अल्फा ग्रेड आए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि जो मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ भी हो, क्योंकि हमारा जो आज का समाज है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करता है जो कामयाब है, पास है किसी भी चीज़ में, ठीक है, उनको नहीं जो फेल है फेलियर है, ठीक है, उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। सक्सेसफुल लोगों को ही समाज एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हम लोगों को तो लोग ऐसे ही देखेंगे, पता नहीं किन नज़रों से, हमने उनका कुछ खा लिया इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप फेल होते हैं ना तो सब आपको पिंच करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अच्छे से तैयारी करनी है और पढ़ना है, ठीक है। मैं नहीं चाहता, मैं कभी भी नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो NCC का हो या किसी भी चीज़ का, ठीक है। कोई आपसे सीधे मुँह बात नहीं करेगा अगर आप फेल हो गए तो, ठीक है, सब आप मज़े ही लेंगे, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत है हमारे से मिलो, हम तैयारी कराएंगे उस चीज़ की। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है अपनी लाइफ में, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है कि यस आई कैन, हमेशा मोटिवेटेड रहना, ठीक है। मैं भी यही फॉलो करता हूँ, स्टे पॉजिटिव स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, स्टे फोकस, ये तीन चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, और आप भी इस चीज़ों को फॉलो करें। कभी भी नेगेटिव ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, और हमेशा यही सोचें कि मैं कर सकता हूँ और मैं इस चीज़ को करूँगा, यस अभी, ठीक है। इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।